मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फिल्मी अंदाज में बारात में बग्घी पर बैठे दूल्हे पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। गोली चलता देख बग्घी से उतरकर दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दो बाइक सवार बदमाश दूल्हे पर कट्टे से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दूल्हे के पिता की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के लोहागढ़ ढोली का है, जहाँ सचिन पांडे की शादी 22 नवम्बर की थी। सचिन बग्घी में बैठकर अपनी बारात ले जा रहा था और तभी बारात रात 9 बजे लेडीज पार्क नाग देवता मंदिर के पास पहुंची। इसी बीच ये घटना हुई। घटना के 9 दिन बाद सचिन के पिता सतीश पांडे ने अंकित शर्मा नामक युवक पर फायरिंग करने की आशंका जताई है, क्योंकि दुल्हन के पिता और उनके परिजनों का किसी बात को लेकर अंकित से विवाद हुआ था। दूल्हे के पिता की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। जनकगंज थाना अंतर्गत मध्यरात्रि एक बारात में दूल्हे पे फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दो बाइक सवार युवक आए और युवक जान से मारने के उद्देश्य से दूल्हे के ऊपर फायर किया है, जिसमें पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला पंजीबद्ध करके अभी विवेचना में लिया है। आरोपियों को जल्दी चिन्हित करके इसमें गिरफ्तारी की जाएगी।